खेतड़ी में निःशुल्क औषधीय पौधे तुलसी का हुआ वितरण। रावण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा तैयार तुलसी के पौधों का बुधवार को गोपालगढ़ रोड स्थित सामुदायिक भवन में निःशुल्क वितरण समायोजित हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद थे। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी सैनी ने की। उपाध्यक्ष अजय कुमार कसाना, थाना अधिकारी विनोद स्वागला, प्रधान मनीषा गुर्जर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता ब्लॉक आयुर्वेदिक विभाग डॉक्टर के शर्मा ने तुलसी के पौधे पर विस्तार से प्रकाश डाला। वही अतिथियों ने प्राण प्रेमी गोपाल कृष्ण शर्मा द्वारा तैयार 2000 पौधों में से 551 तुलसी के पौधों को निःशुल्क वितरित किया गया। अंत में गोपाल कृष्ण शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। हमारे गोपाल जी ने हमेशा की तरह इस वर्ष भी तुलसी वितरण कार्यक्रम रखा, जिसमें तुलसी की महत्ता के साथ सभी यहाँ पे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और पत्रकार हमारे भाई सभी मौजूद थे। आज भी ग्रीन डे पे गोपाल जी द्वारा तुलसी वितरण कार्यक्रम किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्य है। पेड़ पौधे हम लगाते हैं वो तो बढ़िया है, लेकिन उससे अच्छा कार्य है कि औषधीय पौधा सबको वितरण किया गया, उसके लिए मैं गोपाल जी को धन्यवाद। गोपाल जी ने हमारे खेतड़ी में तुलसी वितरण कार्यक्रम करके बड़ा सौंदर्य का कार्य किया है। ये समय समय पर बड़ और पीपल के पेड़ भी वितरित करते रहते हैं और हमारी प्रकृति को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए गोपाल जी ने आज तुलसी के पेड़ों के जो वितरण किया है। जो हम खेतड़ी बिटेरा में झुंझुनू सांसद का किया नागरिक अभिनंदन। खेतड़ी उपखंड के बिटेरा के राजकीय स्कूल के खेल मैदान में बुधवार शाम को ग्रामीणों की ओर से सांसद का नागरिक अभिनंदन समायोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद नरेंद्र किचड़ रहे। विशिष्ट अतिथि के जिला प्रमुख हर्षिनी कुलेरी, पंच सदस्य पूनम गुर्जर, जिला परिषद सुधा देवी, गार्डाटर सरपंच हजायलाल ग्रेट, पंचायत समिति सदस्य नरेश बड़ाव रहे, जबकि अध्यक्षता भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने की। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने नंगली सलहदी सिंह से बिटेरा तक सांसद को बग्गी में बिठाकर बाइक रैली के जरिए समारोह स्थल लेकर आए। इसके बाद ग्रामीणों की ओर से उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद नरेंद्र खिचड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को प्रगति के विकास के आगे पहुँचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। वहीं भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को विकास के नाम पर गुमराह कर रही है। आमजन की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान हरियाणवी को लोक गायक गौतम बाटिन पार्टी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच प्रीति शेखावत, जितेंद्र सिंह, विश्वेंद्र सिंह, शिवराम, रामनिवास लादी, धर्मेंद्र सिंह तोमर, एडवोकेट रोहतास मणिका, धर्मा पहलवान, प्रभू राजोता, सुरेंद्र काजला, राजेंद्र ठेकेदार, राकेश शर्मा, प्रकाश गुर्जर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं नागरिक अभिनंदन के दौरान ग्रामीणों ने डीजे के साथ ग्रामीण समारोह स्थल तक सांसद को लेकर आए। बिटेरा में सिंघाना में सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। सिंघाना की ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में सचिन पायलट के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें महिलाएं व युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष धर्मपाल रावत के नेतृत्व में यह रक्तदान शिविर आयोजित हो रहा है। धर्मपाल रावत ने बताया कि सचिन पायलट के जन्मदिन को रक्तदान शिविर के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव महेश सोडा है। इस दौरान रक्तदान शिविर में महिलाएं व युवा भाग ले रहे हैं। सचिन जी पायलट जी का 45वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सिंघाड़ा में आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्र के युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सिंघाना में सचिन पायलट के जन्मदिन पर हरियाणा के प्रदेश महासचिव महेश सोडा पहुंचे सिंघाना। पूर्व मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट का मनाया जन्मदिन। सिंघाना के ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आज हरियाणा प्रदेश महासचिव महेश सोडा पहुंचे। इस दौरान राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री व टोंक विधायक सचिन पायलट का 45वां जन्मदिवस मनाया गया। युवा नेता महक सिंह ने बताया कि सचिन पायलट के 45वें दिवस के जन्मदिन के अवसर पर हरियाणा प्रदेश महासचिव महेश सोडा पहुंचे। मंच का संचालन ऐश्वर्य अध्यक्ष भूपेंद्र गुर्जर ने किया, वही अध्यक्षता धर्मपाल गुर्जर ने की। हमारे नेता सचिन पायलट साहब के 45वें जन्मदिवस समारोह पे सिंघाना में जो युवा साथी भाई धर्मपाल छात्र संघ अध्यक्ष और इनकी पूरी टीम की ओर से जो उसको इस प्रकार से देखते हैं कि आने वाली सरकार जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें सम्मान्य पायलट साहब के नेतृत्व में यदि पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाने का काम हाईकमान करता है तो दोबारा रिपीट होंगे पूरे चांस। हरियाणा के प्रदेश महासचिव महेश सोडा पहुंचे सिंघाना। पूर्व मुख्यमंत्री व टोंक
खेतड़ी के गुरुद्वारे में प्रवचन का हुआ आयोजन। पूज्य साहिब संजय देव महेश साहिब द्वारा खेतड़ी स्थित सिंची समाज गुरुद्वारे में प्रवचन का आयोजन किया गया। समाज मुखिया जयराम दास बोचंदानी ने बताया कि पूज्य गुरुजी के 8 साल पहले गुरुद्वारे में गुरुजी की मूर्ति की स्थापना के लिए पधारे थे। उसके 8 साल बाद आज परम पूज्य गुरुजी आशीर्वाद और प्रवचन देने के लिए पधारे। इसी क्रम में आज आशीर्वाद और वचन का आयोजन किया गया, साथ ही प्रसाद व लंगर का भी आयोजन किया गया। गुरुजी का प्रवचन काल का कार्यक्रम होगा। इस मौके पर मुख्य जरमदास, कन्हैयालाल, राजेश कुमार, घनश्याम धरमदास, नरेंद्र कुमार सहित सिंधी समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे गुरु श्री साईं संजय कुमार जी आए हुए हैं। 8 साल पहले श्री संजय कुमार जी मूर्ति स्थापना के लिए गुरु जी के लिए बना रहे थे। 8 साल बाद में अब फिर दोबारा संगत को आशीर्वाद देने और प्रवचन करने के लिए खेजड़ी में